वीडियो में देखेंगे कैसे हम जियो 5G सिम को मास्टर के 4G राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। कभी कभी ये क्वारी आती है कि जियो का जो 4G सिम है वो तो चल जाता है बट जो 5G सिम है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। उस केस में सबसे पहले हम ओपन करेंगे वाईफाई पे ओपन करके हम मास्टर के राउटर को कनेक्ट कर लेंगे। इसका पासवर्ड होता है 12345678900। कनेक्ट होने के बाद हम ब्राउज़र ओपन करेंगे गूगल क्रोम, फिर इसके हम बाय डिफ़ॉल्ट जो गेटवे है राउटर को वो डाल देंगे जो बैक साइड ऑफ राउटर में मेंशन होता है। इसका जो होता है वो 192.168.100.1 है। इसको लॉगिन करते ही हम इसमें डालेंगे पासवर्ड, जो पासवर्ड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है। एडमिन डालने के बाद ये आप लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हम चले जाएंगे नेटवर्क सेटिंग पे। नेटवर्क सेटिंग पे जाने के बाद हम चले जाएंगे APN पे। APN पे क्लिक करते हैं प्रोफाइल आ जाएगा। प्रोफाइल पे हम क्लिक करके यहाँ नीचे जियो 4G सिम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे। सेट एज डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम राउटर का पावर हटा करके दोबारा लगाएंगे। उसके बाद आपका जो जियो 5G सिम है वो आपके राउटर के साथ मास्टर राउटर के साथ वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा।